आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो है मनासा दौरा है और उसे लेकर व्यापक जो है तैयारियां की गई है, पुलिस बल जो है तैनात किए गए हैं, तमाम तरह की तैयारियां की गई है, जगह जगह जो है स्थलों का जायजा अधिकारी ले रहे हैं और तमाम तरह की उनकी जो तैयारी है। और इसे लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान जो है जिस काफिले से उनको जो रोड शो करेंगे वो जो है उनका रथ जो उनकी गाड़ी है उसको किस तरीके से सजाया गया है। जी हाँ, दुल्हन की तरह उस गाड़ी को सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है गाड़ी को फूलों की तरह सजाया गया है और तमाम तरह के जो लोग भी आसपास आपको इस तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों का वहां पर जमावड़ा है और किस तरीके से उनकी रथ को जो है सजाया गया है। और इसी रथ से जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान रोड शो करेंगे और रोड शो करते हुए वे इस रथ के माध्यम से जो है मंच तक पहुंचेंगे। दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल ईरानी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है मनासा में रोड शो करेंगे। ये रोड शो जो है रामतलाई से शुरू होगा, फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल के पास से। आप देख सकते हैं मेरे साथ, मेरे पास में ये जो रोड शो के लिए जिस रथ पे वो सवार होकर जाएंगे वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, महिंद्रा की पिकअप गाड़ी है। मुख्यमंत्री जनदर्शन योजना जनदर्शन के तहत ये गाड़ी शुरू होगी यहाँ से और इस रथ पर सवार होकर मुख्यमंत्री जाएंगे। तिरंगा कलर किया गया है और इस गाड़ी को जो चलाएंगे वो सुरेंद्र सिंह जी जो है प्रशासन के व्यक्ति है, सुरेंद्र सिंह जी इनका नाम है, ड्राइवर है। इस गाड़ी को ये चलाएंगे और आप देखेंगे इस गाड़ी में मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्री आ रहे हैं वो मंत्री मध्य प्रदेश शासन के मंत्री इसमें सवार रहेंगे। तुलसी सिलावट, हरदीप सिंह डंग, साथ में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, जगदीश देवड़ा विधायक जो है वो मनासा के विधायक, वो लोग इस गाड़ी में सवार रहेंगे और वो रोड शो जो है रामतलाई से यहाँ से शुरू होकर दशहरा मैदान तक जाएगा। रोड शो के लिए भव्य तैयारी की गई है, पूरे मनासा को सजाया गया है। रोड शो में जगह जगह पर मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए स्टेज लगाए गए हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा ये स्टेज लगाए गए हैं, स्वागत द्वार लगे हुए हैं। देख सकते हैं जन दर्शन के लिए मुख्यमंत्री इस रथ में सवार होकर निकलेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।